अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में जो अंग्रेजों के सिपाही थे, जो उनको पता चला कि बंदूक की कारतूस पर गाय की चर्बी लगती है, सुअर की चर्बी लगती है और कारतूस चलाने से पहले उसको अपने मुंह से तोड़ना पड़ता है, तो अंग्रेज फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने मीरठ की तारीखी सरजमीन पर इलाज बहावत बुलंद किया, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और वो सिपाही हिंदू और मुसलमान मिलकर दिल्ली को जाते हैं। बहादुर शाह सफर से गए थे, बहादुर शाह सफर और इंकलाब बर्पा हो चुका है, आप इसकी खयादत करिए। एसपी साहब, वो मीरठ की सरजमीन है और तुम वहां पर ठहर कर हमको कहते हो पाकिस्तान चले जाए। एसपी साहब, अंग्रेजों को गोली हमने मारी थी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर मीरठ में मारी, कैसे हुई कि तुम हमारी वफादारियों पर शक करते हो? मुसलमान दिख गया तो पाकिस्तान तुमको याद आ गया, मुसलमान दिखा तो तुमको मीरठ की अजीम कुर्बानी की याद है। एसपी साहब, मुसलमान दिखा तो तुमको मराठा क्यों नहीं याद आए? मुसलमान दिखा तो तुमको जौहर बागरान क्यों याद नहीं आए? अरे बताओ, वही तो इस सरजमीन के बेटे हैं। ये मीरठ की तारीख है और मीरठ के एसपी मुसलमानों के बस्ती में जाकर कहता है कि तुमको पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान हम उस वक्त नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? सुनो एसपी साहब, तुम अगर हमको लाइन में खड़ा